नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से सफ़रनामा में। तो आज की वीडियो खासकर हमारे किसान भाइयों के लिए होने वाली है, जो हमारे किसान भाई मेहनत करते हैं कृषि से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड, तरह तरह की हम आप लोगों को आज मशीन दिखाने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को लेकर के आ गया हूं राजा इंटरप्राइजेस पे, और यहां पर एक मेला लगता है, PDFA मेला पंजाब में लगता है। यहां पे आप लोगों को तरह तरह की, देखिए, फार्मिंग से रिलेटेड छोटे छोटे मिनी मिनी ट्रैक्टर्स आप लोगों को सारे मिल जाने वाले हैं अलग अलग कलर्स में। तो चलिए मिलते हैं सर से, देखते हैं क्या क्या वैराइटीज़ है, क्या क्या रेंज है, कोई मंगवाना चाहता है तो कैसे डील कर सकता है, सारी डिटेल्स बताता हूं आप लोगों को। नमस्कार, राम राम। आज इतने अच्छे रंग लेके आए हैं, इसलिए लेके आए हैं ताकि जो नया साल आने वाला है इसी में फार्मर हमारे खुश रहे और हंसते खेलते रहे। ये मेरी ये अपेक्षा करता हूं, जो हमें 2020-21 गया, हमने बहुत कुछ लोगों ने खाया है कोरोना पीरियड में, उसको हमने भूलना है। और ये हमारे जो नए नए रंग है, जो भी ताकि फार्मर की जो उसने भी खोया है उसकी सोच को बदला जा सके, इसलिए ये हमने नए नए रंग डेवलप किए। जो भी फार्मर मेरे से मांगेगा वही रंग हम आपको दे देंगे। हम बेसिक आज मैं जो जानकारी देना चाहता हूँ इस PDFA मेले में, जो आज हमने जो R107 और जो हमारा पुराना मॉडल है उसमें दोनों में क्या फर्क है, उसके तरफ मैं ध्यान करने वाला हूँ, जो कि पूरे हिंदू हर आदमी को जरूरत है जिसकी। और 109 जो सेल्फ के साथ है और बिना सेल्फ के साथ है, और जो ये सेल्फ के साथ है क्या फर्क है बेसिक उसमें उसका बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम इंजन की बात करेंगे। इंजन इसमें टर्म 5 का इंजन लगा हुआ है और ये बगैर टर्म 5 के है। इसमें 7.75 का है, ये 7.5 या 7 HP के होते थे। और इसमें क्या है, 232 cc का है, ये 212 cc का है। इसमें लाइट के साथ होता है और ये बगैर लाइट के साथ होता है। अगर रात को जुताई करना है तो लाइट की जरूरत पड़ेगी। टर्म 5 का मतलब क्या है, इंजन सालों साल चलेगा और जो फ्यूल की कंजम्पशन कम करेगा। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एक दिखाना चाहता हूँ, हमारे खेत में मिट्टी बहुत उड़ती है जब हम खेत जोतते हैं। जैसे कि मिट्टी उड़ी, यहाँ पे अंदर मिट्टी चली गई, जैसे कि ये अंदर जा रही है मिट्टी, तो अगर अंदर मिट्टी चली जाएगी तो इंजन जल्दी खराब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मिट्टी हमने डाल दी, जितनी मर्जी आप मिट्टी डाल दीजिए, अंदर मिट्टी नहीं जाएगी, इसके साथ इसका जो नाक है वो बंद नहीं होगा, जिसके कारण जो इंजन सालों साल चलेगा। इसी का कारण है कि हमने इसको टर्म 5 इंजन को यूज किया गया है। और आगे की तरफ मैं इंटेंशन करवाना चाहता हूँ, आगे फ्रंट व्हील लगाया है ताकि इजी टर्न कर सके। और जहाँ पे पहले क्या होता था, स्टैंड होता था, स्टैंड के कारण आगे से टर्न करने की बड़ी दिक्कत आती थी। आप कैसे भी हैंडल को ऊपर नीचे जहाँ से हल्का सा आपने खोलना है, और हैंडल को आप जैसे मर्जी ऊपर नीचे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसका जो गियर बॉक्स है बड़ा किया गया है। इसके गियर बॉक्स में 1 L 700 ml गियर ऑयल आएगा, और इसका जो गियर बॉक्स होता था छोटा होता था, इसमें मात्र 1.5 L गियर ऑयल आता था। और इसमें 2 फॉरवर्ड गियर दिए गए हैं और 1 रिवर्स गियर दिया गया है। और आगे ये जो सिस्टम दिया गया है, इसको आप, ये क्लच है इसका, इससे आप गियर डाल सकेंगे। और ये क्या है, जब इसको आपने न्यूट्रल कर लिया तो इसको दबाएंगे, ये अपने आप पीछे आने लग जाएगा। अपने फार्मर भाइयों को देखते हुए हमने टायरों तक भी चेंज किया है। पहले जो जो टायर होते थे वो बिल्कुल रबड़ होती थी, अब इसमें हमने पलाइयां तक कर दी गई हैं। इसको हमने पीछे से काफी हैवी किया गया है, जहां से मैं दिखा रहा हूँ ये पिन्ने हैं, अब बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं करेगा, क्योंकि फार्मर बोलते थे कि ये वाइब्रेशन बहुत करता है इन पिमो, अगर ये हिलेगा तो वाइब्रेशन बहुत करेगा। जो पुराने होते थे जहाँ पे पिन्ने नहीं होती थी, जिसके कारण ये वाइब्रेशन करता रहता था और जिसके कारण थकावट काफी महसूस होती थी। हमने ब्लेडों तक भी इसके चेंज कर दिए हैं। जैसे कि पहले जो जो ब्लेड थे फिक्स होते थे, इसमें कोई भी गली नहीं होती थी, इसको आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते थे, ये मात्र 42 इंच में चलता था। ये इसके ये पिन्ने हमने सभी में पार्टों में पिन्ने लगा दिए हैं, जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये भी पिन्ना, ये सारे छोटे बड़े हो जाते हैं और ये आप 14 इंच से लेके 42 इंच तक चला सकते हैं। ये जो हमारा R109 मॉडल है, ये सेल्फ के साथ है, इसको आप हल्का सा स्विच घुमाएंगे और ये स्टार्ट हो जाना है, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ से आपको इसको अगर बंद करना है यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। अगर बाई चांस सेल्फ खराब हो जाए तो आप इसको रस्सी से भी खींच के यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बैटरी इंक्लूड नहीं है, बैटरी हम साथ में नहीं भेजते, क्योंकि ये बैटरी रास्ते में टूट जाता है। अगर बैटरी टूट गया तो भाई साहब पूरा एसिड निकल जाएगा और पूरा मशीन खराब हो जाएगा। और
बैटरी मार्केट में ये बड़ी सस्ती मिल जाती है, 600-700 की मिल जाती है। कीमत की बात करें तो वैसे तो इसका जो कीमत है 72,000 रुपया है, 20,000 रुपया सब्सिडी काट के हम ये 52,000 का देंगे, और जो ये वाला है बिना सेल्फ के आर 107 मॉडल है इसमें हम 68,000 है, 20,000 सब्सिडी काट के 48,000 रुपया देंगे। इसमें हम साथ में क्या देंगे, ये दो रबड़ के टायर साथ में आएंगे, और ये 32 ब्लेड की रोटरी साथ में, दो डिस्की, और साथ में जो ये चार अटैचमेंट देख रहे हैं, साइड प्लाव, कल्टीवेटर, साइड लेबलर और डबल प्लाव, इनमें से कोई भी फार्मर दो अटैचमेंट फ्री दी जाएंगी। जो डिलीवरी है घर तक बिल्कुल फ्री दी जाएगी, और मेरा वादा है इस मशीन से आप 1 टन तक का वजन लेके जा सकते हैं ट्रॉली के साथ, और इसी मशीन में रिपर भी साथ में लग जाता है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और इसमें हमारे इस मशीन में अब आप 30-35 अटैचमेंट लगा सकते हैं, जो कि मैं आपको ये PDF फाइल भेज दूंगा, जो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। इस PDF फाइल भेज के आप जो भी चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। कोई भी फार्मर भाई हमसे अगर मशीन मंगाना चाहता है हमारी कंपनी में विजिट करें, या ऑनलाइन भी मंगा सकता है, मात्र आपने हम कंपनी का काउंटर नंबर भेजेंगे, और उस अकाउंट में आपने 5,000 रुपया डलवाना है, आपने जो भी प्रोडक्ट लेना है PDF फाइल भेज देंगे, आपने चूज कर लेना या नंबर लिख के भेज देना है, हम उसमें ऐड करके भेज देंगे, जो पैसा है आपको डिलीवरी के टाइम में देना है। और सबसे बड़ी बात मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, सारा कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, जो चीजें जरूरत है वही खरीदिए, फालतू में पैसे ना लीजिए, क्योंकि फार्मर के पैसे बहुत मेहनत के हैं। कई जगह पे भाई धान लगता है, पटलर की क्या जरूरत है, कई जगह पे कटाई करनी नहीं है, सिर्फ सब्जी का काम करना है, तो रिपर की क्या जरूरत है। मेरे भाई बोल रहे थे सारा ही कुछ लेना है, अरे भाई सारा किसी को भी जरूरत नहीं हो सकता। जहाँ पे सोयाबीन लगना है या बखर लगना है वो महाराष्ट्र में चलता है, बिहार वाले को बखर के बारे में पता ही नहीं होगा, इसलिए भाई जो जरूरत है वो ही खरीदिए, फालतू में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में मैं यही कहूंगा, हंस रहे रहिए, 2022 आने वाला है वो हमारे सभी के लिए खुशियां भरा रहना चाहिए, और जिस स्टॉल में मेरे किसान भाई काफी सारे खड़े हैं इनको भी सभी को मैं एडवांस में मुबारकबाद दूंगा, 2022 ऐसे ही हंसते रहे, और मेले लगने शुरू हुए हैं ये कोरोना के बाद, मुझे लगता है सारे किसान भाई अब खुश भी होंगे इस मेले लगने के कारण। और जाते जाते मैं एक बार फिर बोलूंगा, जय जवान जय किसान।